नमस्कार दर्शक मित्रों, अतिथि कार्यक्रम में फरी एक बार आपनु स्वागत है। दर्शक मित्रों, आज एक विशिष्ट व्यक्तित्व ने मैं आमंत्रण आप्यु छे। कार्यक्रम आपने ख्याल छे ते प्रमाणे आ कार्यक्रम में एवं विशिष्ट व्यक्तित्व ने आमंत्रण आप्यु छे कि जेने मळवानी आपने पण इच्छा होय छे अने अमने पण, अने तेमनी साथे वातो करीए छे अंतरंग अने सांप्रत समस्याओ विषेनी। दर्शक मित्रों, आज एक विशिष्ट व्यक्तित्व, एक अतिथि अमारी साथे आ कार्यक्रम में हाजर छे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन ना डायरेक्टर, एटले के जो कदाच आ नाम थी परिचित न हो तो आपने परिचय आपी दऊं के बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की थिंक टैंक है, जेना डायरेक्टर तरुण विजय जी हमारे साथ हाजिर है। तरुण जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले तो थिंक टैंक की बात निकली, तो ये टैंक में क्या क्या थिंकिंग चलता रहता है? हम लोग जो बौद्धिक गतिविधियां हैं, विशेष रूप से हमारी विचारधारा से संबंधित जो प्रखर हिंदुत्व राष्ट्रीयता से जुड़ी हैं, उनसे सामग्री एकत्र करते हैं, उस पर संगोष्ठियाँ आयोजित करते हैं। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हमारे सबसे बड़े विचारधारा के प्रतीक हैं, उनके संदर्भ में साहित्य का अधिक से अधिक प्रसारण, और जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ पे हमारे पॉलिसीज प्रोग्राम्स में वो विचारधारा का प्रतिबिंब आना चाहिए, वह रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वही हमारा मुख्यतः काम है। और देश में एक इस प्रकार का जागरण लाना कि जो शांति समृद्धि प्लुरलिटी और इन सब के प्रति दृढ़ होते हुए धर्म को मुख्यतः, जो धर्म हमारा नागरिक धर्म है, सभ्यता मूलक धर्म है, उसके प्रति कोई समझौता ना करें। इसीलिए हम कहते हैं अनअपोलोजेटिक एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग नेशनलिज्म। ओके, नेशनलिज्म के साथ आपने हिंदुइज्म को भी जोड़ दिया कि हिंदुत्व का, कहीं लगता है सही कि आपको बार बार जैसे मौसम बदलते हैं ऐसे हिंदुत्व की डेफिनेशन भी बदलती है, डिपेंड्स ऑन द सीजन, डिपेंड्स ऑन द इलेक्शन। आइदर अगर पार्लियामेंट इलेक्शन होता है तो हिंदुत्व की डेफिनेशन बदल जाती है, कहीं पे असेंबली का इलेक्शन आता है बदल जाती है। लगता है कि ये जैसे मौसम की तरह कहीं पे बदलती है डेफिनेशन, ये ठीक है या थिंक टैंक में सोचा गया, बहुत प्लानिंग से रखा गया सोच होता है ये? देखिए, न गंगा बदलती है, न हिमालय बदलता है, न भारत बदलता है। जो हमारा मूल अधिष्ठान है वो हिंदुत्व है। भारत, हिंदुत्व, भारतीयता, राष्ट्रीयता, ये सब मैं पर्यायवाची शब्द मानता हूँ। इन सब का एक ही अर्थ है कि भारत आगे बढ़े, और भारत की भारतीयता के कुछ मूल तत्व हैं, और वे मूल तत्व हिमालय है, गंगा है, प्रकृति के प्रति प्रेम है, परिवार में सद्भाव है, परिवार की एकता है, बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर है, और पशु पक्षियों के प्रति निर्ममता नहीं सदैता का भाव है। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो भारत को भारत बनाती हैं। जैसे गंगा का गंगत्व है, ऐसे भारत का भारत तत्व है। वही भारत तत्व आप कह दीजिए, वो हिंदुत्व कह दीजिए, वो आप राष्ट्रवाद कह दीजिए, मेरे लिए तीनों एक बराबर हैं। जहाँ पे कॉर्नर होती है बीजेपी, वहाँ जाके हिंदुत्व की डेफिनेशन को बहुत ब्रॉडवे में ले जाती है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू, और हिंदुत्व यानी जो हिंदुस्तान में रहते भारतीयता का पर्याय है हिंदुत्व। लेकिन जहाँ पे जब वोट बैंक की राजनीति की बात आती है, वहाँ जाके उनके भाषणों में, उनकी जो पब्लिक मीटिंग होती है, वहाँ जाके कहीं ना कहीं तीखे तेवर कोई स्पेसिफिक एक दो लीडर को दिए जाते हैं कि आप यहाँ पे जाके आप डेफिनेशन बदल दो, बाकी हम संभाल लेंगे। नहीं, जो अभी आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप कोई उदाहरण बताइए तब मुझे समझ में आएगा। ऐसा एक भी आप उदाहरण बताएंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। ऐसा एक बार भी नहीं हुआ, किसी भी नेता को नहीं किया गया। हमारे यहाँ तीखा, ऊंचा, नीचा, उदार, अनुदार कुछ नहीं होता है। वी आर प्रो इंडिया, डैट मीन्स वी आर प्रो हिंदुत्व। वी आर प्रो नेशनलिज्म, डैट मीन्स वी आर प्रो पीपल। हिंदुस्तान की कसौटी पे हम कसते हैं, अब्दुल कलाम को प्रणाम करते हैं। और अगर कोई अपने आप को हिंदू कहते हुए भी भारत के हित में काम नहीं करेगा, हम उसको अपना शत्रु मानेंगे। हमारे सम्मान और पूजा का आधार पूजा पद्धति आस्था नहीं है। हमारा देवता हमारा राष्ट्र है। भारत माता हमारे लिए सिर्फ कुछ भीड़ और बिल्डिंगें और सरकार नहीं है। भारत माता हमारे लिए सबसे बड़े सर्वोच्च जगत जननी है। इसके लिए कोई भी आएगा, कैप्टन हनीफुद्दीन हो या विंग कमांडर आहूजा हो, सचिन तेंदुलकर हो या इरफान पठान हो, जो हिंदुस्तान के लिए काम कर रहा है वो हमारा आराध्य, हमारे आदर का पात्र है, बाकी कोई नहीं। फाइन, मतलब आपने मतलब क्लियर कर दिया कि हिंदुत्व की डेफिनेशन जो भारतीय जनता पार्टी की थिंक टैंक करती है वो ये है। मैं सीधा आ जाता हूँ, जिस तरह से आतंकवादी हमले हुए मुंबई में, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उस वक्त जो स्टैंड भारतीय जनता पार्टी ने लिया पूरा राष्ट्रीयता के साथ जुड़ने का, यूपीए गवर्नमेंट जो भी डिसीज़न लेगी
उनके साथ जुड़ने का, कहीं लगता है कि जिस तरह से उस वक्त स्टेटमेंट में थोड़ी गलती हो गई, चाहे स्पोक्समैन की तरफ से हो गई हो या तो मोदी जी वहाँ गए थे, उन्होंने जो 1 करोड़ रुपये का ऐलान किया, कहीं लगता है कि जल्दी हो गई। नकवी जी की मैं बात कर रहा हूँ आपको, किसी ने कोई गलती नहीं की, किसी ने कोई परिवर्तन नहीं किया, किसी ने कोई देश के आलोचना में कुछ काम नहीं किया। हम लोग मानते हैं कि पार्टियाँ, आइडियोलॉजी, हमारे नेता, ये सब देश से छोटे हैं। हमारी पार्टी तो देश से बड़ी नहीं हो सकती। और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि जहाँ पे पार्टी को छोड़ देना चाहिए, झंडे को छोड़ देना चाहिए, नेताओं को छोड़ देना चाहिए, एक हिंदुस्तानी के नाते इकट्ठे हो जाना चाहिए। देश हित की बात जब आती है तब अपना हर एक जो विचारधारा है छोड़ के सीधा, मतलब कोई ऐसी जड़ विचारधारा नहीं पकड़ के रखनी चाहिए, लेकिन बहुमूलक परिवेश में उसको लेना चाहिए। हिंदुस्तान की विचारधारा से बढ़कर कोई विचारधारा है ही नहीं। तरुण जी, यहाँ मैं रोकूंगा। दर्शक मित्रों, समय था एक विराम, एक नाना का विराम बाद। तीरथ यात्रा सोमवारे रात्रे 8:30 कलाके फक्त गुजरात न्यूज पर। विराम बाद फरी एक और स्वागत है आपनों कार्यक्रम अतिथिमा। बात करें अपने बीजेपी थिंक टैंक ना डायरेक्टर तरुण विजय जी साथ। तरुण जी, ब्रेक से पहले बात निकली, आपने बताया कि जब राष्ट्रहित का कोई मुद्दा होता है, कोई इश्यू होता है, तब जाके सब लोगों को अपनी जड़ विचारधाराएं छोड़ के सिर्फ राष्ट्रीयता के मुद्दे पर ही सोचना चाहिए। मैं सीधा आ जाता हूँ प्रज्ञा जी की, जो अरेस्ट किया गया उनको, बहुत ही टारगेट सॉफ्टली, पहले सॉफ्ट टारगेट था, बाद में स्पेसिफिक टारगेट बना के हिंदुत्ववादी विचारधाराओं के साथ जुड़ी हुई हर एक संस्था के ऊपर थोपा गया कि ये प्रज्ञा जी आपके विचारधारा के साथ जुड़ी हुई और वो आतंकवादी प्रवृत्तियों करने वाली थी। कहीं लगता है कि उस वक्त जिस तरह से अटैक के सामने, जिस अटैक हो रहा था आपके ऊपर, आक्षेपबाजी हो रही थी, उस वक्त कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ आरएसएस के साथ जुड़ी हुई हर एक जो भी संस्थाएं थी, बहुत सॉफ्टली उनके सामने जवाब दिया, सही में मैसेज जो पहुंचाना चाहते थे वो लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। डू फील दैट? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है कि तब तक प्रज्ञा निर्दोष है जब तक कि अदालत में पूरे सबूत के साथ ये पता नहीं चल जाता कि उसने कुछ किया जो संविधान के खिलाफ था। अभी तक एक भी बात ऐसी नहीं आई है कि जो उसने संविधान के खिलाफ की गई हो। और कोई अपराधी होता है, उसको अपराध करने के बाद भी जेल में पूरी मानवाधिकार के सहूलतें मिलती हैं। आपका मदनी पकड़ा जाता है तो उसको जेल में आप हर तरह की 5 सितारा सुविधाएं देते हैं, उसको सोना बात का देते हैं और पूरी केरल की कैबिनेट उसके स्वागत के लिए वहाँ पहुँचती है। वे देशद्रोह का काम कर रहे थे और पूरा कोयम्बटूर बॉम्ब ब्लास्ट का सबसे बड़ा एक्यूज्ड मदनी था। एक महिला को आप पकड़ते हैं बिना किसी प्रमाण के पकड़ते हैं, उसके साथ अत्याचार करते हैं, उसको आप गलत अश्लील सीडियाँ दिखाते हैं, उसको सताते हैं, उसको गलत हस्ताक्षर करवाते हैं, क्या इसके बारे में हिंदुस्तान की जनता कुछ नहीं बोलेगी? क्यों ये किया जा रहा था? ताकि आप एक पूरे हिंदू समाज पे दाग लगा सकें। हम कहते हैं जो अपराधी है उसको सरेआम आप फांसी दीजिए, लेकिन अपराध साबित तो होने दीजिए। दुख्तराने मिल्लत श्रीनगर में जो मुस्लिम महिलाओं का संगठन, आतंकवादी संगठन है, घोषित संगठन है, जो कहता है हम हिंदुस्तान से अलग होने के लिए काम कर रहे हैं, उसकी चीफ आसिया अंदराबी को पकड़ा गया, उसके ऊपर तो कभी आपने पोटा नहीं लगाया, उसके ऊपर कभी मकोका नहीं लगाया, उसको कभी नार्को टेस्ट से नहीं गुजरने दिया, उसको कभी आपने इस तरह के अत्याचार उस पर नहीं किए गए, और उसकी वजह से इतनी हत्याएँ हुई जिसको अमरीकी गवर्नमेंट ने बयान में कहा कि बीबीसी के ऑफिस में जो हमला किया गया था वो आसिया अंदराबी ने किया था और उसमें पत्रकार मारे गए थे, और उसने जेल से बयान दिया कि हाँ, मैंने हिंदुस्तान से अलग होने के लिए इन जिहादियों को हवाला के जरिए पैसे दिए हैं, उस पैसे के माध्यम से उसने हजारों हिंदुओं का कत्ल करवाने में मदद दी, वो आपकी हीरोइन बन जाती है,
वो सेकुलर मीडिया की नायिका बनती है, उसके आप डबल स्प्रेड फोटोग्राफ छापते हैं, इंटरव्यू छापते हैं और कहते हैं शी इज दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यू रेवोल्यूशनरी मुस्लिम वीमेन। इससे बढ़कर हिंदुस्तान में और क्या आप हिंदुओं को अपमानित करेंगे? तो हमने जो भी कहा, भाजपा ने जो भी कहा, बिल्कुल ठीक। सेक्युलर मीडिया की आपने बात छेड़ी, तो बात यहाँ पे आती है, जब भी कोई भी पॉलिटिशियन होता है या कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती है, जब उनकी फेवर में लिखते तो बहुत अच्छा मीडिया हो जाता है, लेकिन जब भी उसकी आलोचना करने लगते हैं वही मीडिया कहीं ना कहीं क्वेश्चन के दायरे में रखते हैं। नहीं, वही मीडिया कभी नहीं होता है, केवल एक मीडिया का सेक्शन है कि जो लेफ्टिस्ट है, जो कि हिंदुत्व से चिढ़ रखता है, जो भारत में भारतीयता के विरुद्ध काम करता है और उसके एक निश्चित पैमाने, अयोध्या का विरोध, कश्मीर के रिफ्यूजीज का विरोध, कश्मीर में हिंदू महिलाओं पर अत्याचार किए गए, लाल चौक पर उनसे बलात्कार किया गया, उनको मिनी बस से पीछे जंजीर से बांधकर एक एक किलोमीटर घसीट के तड़पा तड़पा के मारा गया, उनकी डेड बॉडीज पे थूका गया और लघुशंका की गई, डोडा में 6-6 साल की बच्ची के सामने उनके माँ बाप को बूचर्स नाइफ से मारा गया और खून में लथपथ हुए बच्ची अगले दिन सुबह BSF वालों को मिली, जिसको हम हॉस्टल में लेके आए, एक भी चैनल पर इसकी बात आई? क्या हिंदूज आर एक्सपेंडेबल कम्युनिटी ऑफ द कंट्री? हिंदुओं को आपका बस चले इस सेकुलर मीडिया का तो मताधिकार के हक से वंचित कर दें और हिंदुस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दें, क्योंकि उनकी राय में वही इस्लामिक रिपब्लिक दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर कंट्री होगा। तो इनका सेकुलरिज्म एंटी हिंदुइज्म का सिनोनिमस बन गया है। इसका हम उसी तरह से सामना करेंगे जैसे सोमनाथ के रक्षकों ने गजनी का सामना किया था। सोमनाथ की बात निकली तो सीधा मैं धर्मस्थान पे आता हूँ। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हर एक इलेक्शन में राम मंदिर का इश्यू रखती थी, लेकिन इश्यू रखने के लिए रखती थी, पिछले 2 चुनाव से ऐसा लग रहा है कि रखने के लिए हमारे एजेंडा में तो रखा हुआ है, हमारे घोषणा पत्र में रखा हुआ है, लेकिन हमारी परिस्थिति ये है कि हमारे साथ बाकी जो भी साथी पक्ष है उनके साथ समझौता नहीं हो पाता, इसलिए राम मंदिर के मुद्दे को हम कहीं साइड में रखेंगे, जब देखेंगे हमारी सिंगल हैंडेड गवर्नमेंट बनेगी उस वक्त करेगा। क्या लगता है कि राम मंदिर का इश्यू जो एनकेश कर सकते थे या तो कहीं पर पास्ट में किया था, अभी उतना प्रॉपर BJP एनकेश नहीं कर पाती, क्योंकि जिस फेथ से, जिस चुनावी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदारों ने विश्वास रखा था, कहीं लगता है कि डगमगा गया है विश्वास। देखिए, हिंदू समाज न तो अतिवादिता में विश्वास करता है, न पसंद करता है, न अतिवादी भाषा को पसंद करता है। राम मंदिर का मुद्दा पूरी तरह से चुनाव के बक्से से अलग है जी। और राम मनोहर लोहिया तो RSS BJP के नहीं थे, वे थे समाजवादी नेता। राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है जिसे आपको और सभी पत्रकारों को पढ़ना चाहिए, वो है भारत के 3 स्वप्न। उन्होंने कहा भारत के 3 स्वप्न हैं, राम कृष्ण और शिव। राम कृष्ण और शिव आज भी मस्जिदों में कैद हैं, अयोध्या, मथुरा और काशी में। जब तक वे स्वतंत्र नहीं होते, भारत की स्वतंत्रता अधूरी है। ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को जो पकड़ेगा वह पार्टी भारत की पूजनीय आदरणीय पार्टी बनेगी। जो बनना चाहे वो मुद्दे को पकड़ ले। और जब हिंदू कंसोलिडेशन होगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस राजीव गांधी ने अयोध्या से राम राज्य का वायदा करके अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया, जिस कांग्रेस सरकार ने अयोध्या में ताले खुलवाए, शिलान्यास होने दिया, वही कांग्रेस भी सबसे पहली पार्टी होगी जो राम मंदिर निर्माण में सबसे आगे आएगी, क्योंकि ये लोग वोट के भिखारी लोग होते हैं, इनको वोट चाहिए, इनको संस्कृति और सभ्यता से लेना देना नहीं है। हिंदू समाज अपने इन आराध्य देवों के स्वातंत्र्य के लिए अपने दम पर लड़ेगा, किसी राजनेता के भरोसे नहीं। कांग्रेस की बात छेड़ी तो जिस तरह से सोनिया गांधी को बहुत ही टेकफुली विदेशी महिला का एक अच्छा सा अभियान चला के भारतीय जनता पार्टी और खास करके ऐसे लोग की जो चाहते थे कि हिंदुस्तान में कोई विदेशी महिला प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पद पर बैठे नहीं, बहुत ही टेकफुली सोनिया गांधी को साइड ट्रैक कर दिया, उन्हीं के पार्टी में से विरोध के सुर भी आप सक्सेस रहे निकालने के लिए, यहाँ तक कि शरद पवार जैसे सीनियर नेता भी ऐसे मामले पर सोनिया के विरोधी हो गए। क्या लगता है कि जिस तरह से पिछले 5 साल की UPA सरकार में, चाहे 4.5 साल कैसे भी निकाल दो, लेकिन अभी जो वक्त पिछले 2-3 महीने में, डू यू फील दैट कि UPA थोड़ा गेन किया है? UPA ने कहीं गेन नहीं किया है, न तो सार्वजनिक सम्मान में और न ही नीतिगत। जो चुनाव की रणनीति होती है वह एक अलग गणित का विषय होती है। दिल्ली में क्यों जीती और राजस्थान में BJP क्यों हारी, यह
उस प्रकार की नीतियों की सफलता का द्योतक नहीं है। मूलतः ये संगठन की असफलता, सफलता और संगठन के नेताओं की असफलता, सफलता का पैमाना होता है। यूपीए सरकार भारत का दुर्भाग्य है। जब से यह सरकार आई है तब से हिंदू मानस, हिंदू प्रतीक, हिंदू श्रद्धा केंद्र और वे तमाम बातें जिनसे भारत परिभाषित होता है, उन पे जितने अधिक आक्रमण हुए उतने आक्रमण मुगल और अंग्रेज़ों के समय में नहीं हुए थे। राम सेतु विध्वंस के लिए उनके ड्रेजर भेजे गए। पंडित नेहरू, राजीव और इंदिरा ने जो आज तक नहीं किया, उस भारत विभाजन की दोषी मुस्लिम लीग को पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। पहली बार कश्मीर के रिफ्यूजी हिंदुओं को किसी भी तरह के नेगोशिएशन से बाहर रखा गया। मतांतरण और अधिक गति से बढ़ा क्योंकि लोगों को लगा कि सुपर प्राइम मिनिस्टर ईसाई है, इसलिए उनके से वे एक मनोबल प्राप्त करके आगे बढ़ते गए। मुसलमानों के नाम लिए, मजहब के नाम पे नौकरियों में और राजनीति में आरक्षण शुरू किए गए। अलीगढ़ विश्वविद्यालय, जो पहले ही पाकिस्तान निर्माण का एक अड्डा रहा है, वहाँ पे उन्होंने किया। सच्चर कमेटी आप लेके आए, तो हमें तो लगने लगा कि इस देश में हिंदू होना गुनाह हो गया है और इस देश में यूपीए सरकार नहीं बल्कि सऊदी अरब के साम्राज्यवाद का एक एक्सटेंशन हो गई है, जो कि इस्लाम के वहाँ भी इंटॉलर। सिर्फ सऊदी अरेबिया का ही नाम लेंगे या वेटिकन सिटी का भी नाम ले सकते? ऑफकोर्स दोनों में एक ही, हिंदुओं के लिए तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तरुण जी यहाँ रोकूंगा। जो आपने बताया कि चुनावी मुद्दे में जो कहीं कहीं या तो पूरे 5 साल में आपने बताया कि दुर्भाग्यपूर्ण हिंदुस्तान के लिए, उसकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। दर्शक मित्रों, समय था एक नानकड़ा विराम। तीरथ यात्रा सोमवार रात्रे 8:30 फक्त गुजरात न्यूज पर। विराम बाद फरी एक और स्वागत है अपना कार्यक्रम अतिथि में। बात कर रहे हैं अपने तरुण विजय साहब। तरुण जी, ब्रेक से पहले आपने बताया कि कहीं चुनावी मुद्दे जो होते हैं, ये चुनाव का मुद्दा है, क्या लगता है आपको? मैं सीधा आ जाता हूँ कि जिस तरह से आने वाला पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, कौन से मुद्दे खास रहेंगे भारतीय जनता पार्टी? हिंदुस्तान को बचाने का। हिंदुस्तान एक युद्ध भूमि में खड़ा है और जितने अधिक आक्रमण इस समय हो रहे हैं उसके मन और उसकी काया पर, इतने पहले कभी नहीं हुए थे। मन पर आक्रमण कर रही है इस देश की सरकार, जो हिंदुओं के पैसे, हिंदुओं के वोट, हिंदुओं के समर्थन से चुनी जाती है, और उसने हिंदुओं के वोट से, हिंदुओं के विश्वास से विश्वासघात किया है। एक दूसरा आक्रमण हमारी काया पे हो रहा है, जो ये जिहादी आक्रमण हो रहा है और जो ईसाई धर्मांतरण का आक्रमण हो रहा है। वे लोग स्वामी लक्ष्मणानंद जी की उन्होंने कंधमाल में हत्या की, और दुर्भाग्य की बात है कि उसके विरुद्ध जिस प्रकार का एक मानस तैयार होना चाहिए था, सेकुलर उसमें नहीं तैयार हुआ, लेकिन हिंदू मानस अब क्षमा करने के मन में नहीं है। और दूसरा हमारा ये जिहादी आक्रमण हो रहा है। हम सबको एक भारतीयता के साय तले, एक तिरंगे के साय तले, केवल एक ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि भारत की जन सुरक्षित रहे और हिंसा से परे रहें। जो धर्मांतरण है वह हमारे मन पर हिंसा है, क्योंकि धर्मांतरण जब करते हैं हमारे देवताओं का अपमान करते हैं, राम और कृष्ण का अपमान करते हैं, इस देश की सभ्यता का अपमान करते हैं, और फिर कहते हैं कि तुम वेटिकन वाले हो जाओ। ये वेटिकन का साम्राज्यवाद और अरब का साम्राज्यवाद, इन दोनों को अब हमें समाप्त करने का वक्त आया। इसमें देशभक्त हिंदू, देशभक्त मुसलमान दोनों मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान के जो समझदार मुसलमान हैं वे घोषित करते हैं कि हिंदुस्तानी इस्लाम इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर इस्लाम इन द वर्ल्ड। हिंदुस्तान में आप दरगाहों की पूजा करते हैं, चादर चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, दुआ करते हैं, कवाली करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, इलायची दाने का, ये सब जो है ये हिंदुस्तानी इस्लाम का
स्वरूप है जो दुनिया के कहीं नहीं पाया जाता। तो यहाँ के मुसलमानों का ये फ़र्ज है कि ये हिंदुस्तान की मातृभूमि के प्रति फ़र्ज अपना अदा करें और सम्मान करें, सम्मान करें। और जैसे मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब कहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स और जहाँ पैदा होंगे वो धरती चुन नहीं सकते। अल्लाह ने अगर आपको हिंदुस्तान में पैदा किया है तो कुछ सोच समझ के पैदा किया है। अगर आप उस हिंदुस्तान के साथ गलत काम करते हैं तो आप अल्लाह की मर्जी के ख़िलाफ़ काम करते हैं। तो इस मादरे वतन के प्रति अपनी पूरी निष्ठा के साथ काम करना अल्लाह के निर्देश के अनुसार चलने के बराबर है। इस बात को समझें, दोनों हम भाई हैं, एक नस्ल है, एक पूर्वज है, एक इतिहास है, एक भाषा है, एक पहनावा है, एक रस्में हैं, एक गीत है, एक हमारा इतिहास है, एक हमारा भूगोल है। केवल उपासना पद्धति के आधार पर हम भेदभाव क्यों करें, नहीं करना चाहिए, मुझे विश्वास है ऐसा नहीं। इस मुद्दे तो मतलब पार्लियामेंट इलेक्शन में रहेंगे, लेकिन क्या इस वक्त ऐसे भी बातें निकली, ऐसी भी बातें जानने को मिलेगी, आपसे प्रॉपर हमें आंसर भी मिल सकता है क्योंकि आप थिंक टैंक के डायरेक्टर हैं, पॉलिसीज जहाँ से बनती है, NDA कॉलेशन बनेगा गवर्नमेंट के बाद, गवर्नमेंट फॉर्मेट फॉर्म करने के बाद, या तो उससे पहले जो पिछले समय पे पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में, या तो उससे पहले अटल जी के वक्त भी कहीं पहले से समझौता किया था, इस वक्त कहीं ना कहीं सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ना चाहती है, क्या कहना चाहेंगे? सोच समझ के केवल हम एक बात जनता के सामने रखना चाहते हैं कि अगर हिंदुस्तान की तकदीर बदलनी है एक पार्टी को पूरा बहुमत दो, कोएलिशन की बात मत होने दो, और अगर कोएलिशन की बात होती है तो चुनाव के बाद ही होगी। हम तो अपना एजेंडा लेके चल रहे हैं और उसमें कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। वो एजेंडा है हिंदुस्तान को बदलने का, वो एजेंडा है हिंदुस्तान से जिहादी आतंक और ये तमाम तरह के जो हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं इनको ख़त्म करके सबको समान अधिकार, सबको समान कर्तव्य, सबके साथ समानता का व्यवहार, सबको एक हिंदुस्तानी तिरंगे में रंगना, ये हमारा उद्देश्य है। तरुण जी, इंडिया शाइनिंग के बाद अभी कौन सा नारा रहेगा भारतीय जनता पार्टी का? हमारा तो केवल एक नारा, सुरक्षित समृद्ध भारत। सुरक्षित समृद्ध भारत, और ख़ास करके जब आप आए हमारे इस कार्यक्रम में, तो अंत में ख़ास करके आपके जो कमिटेड वोटर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि हर देशभक्त हिंदुस्तानी हमारा कमिटेड वोटर है और उनके लिए एक ही बात है कि अब वक्त आ गया है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे युवा देश है और उस युवा देश होने के नाते हमें केवल हिंदुस्तान के प्रति ही अपना कर्तव्य नहीं निभाना है, बल्कि एक ऐसी मिसाल कायम करनी है कि सारी दुनिया हिंदुस्तान के आदर्श की अनुगामी बने। यही हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो पूज्य रज्जू भैया हमारे सरसंघ चालक थे, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान आगे बढ़े लेकिन वैसा आगे न बढ़े जैसा अमरीका आगे बढ़ा है। हम पैसे के बल पर दुनिया के सबसे बड़े देश या मिलिट्री ताकत के बल पर दुनिया के सबसे बड़े देश नहीं बनना चाहते। हम अपनी चरित्र और बुद्धि इसके आधार पे, अपनी विद्या और चरित्र इसके नाते दुनिया के सबसे बड़े देश बनना चाहते हैं और ये हमारा स्वप्न है। थैंक यू वेरी मच तरुण जी। दर्शक मित्रों, आती खास मुलाकात तरुण विजय जी साथ ने, फरी मलेश नेक्स्ट एपिसोड में एक नवा अतिथि साथ है। सूर्य नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। Thank you.